हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम यौगिकों का अर्धभार ज्ञात करना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी यौगिक का अर्धभार ज्ञात करने से पहले हमें जो हमारे तत्व हों या परमाणु हों उनका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार हमें पता होना चाहिए। जैसे आपका ये हाइड्रोजन है, तो आपको पता है हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु अनुक्रमांक क्या कह सकते हैं, वो एक होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या जो होता है वो भी एक, या आप कह सकते हैं परमाणु भार जो होता है हाइड्रोजन का एक होता है। तो हमने कुछ ऐसे तत्वों को या परमाणुओं को लिखा है जिनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार लिखे हुए हैं। देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जो नीचे लिखा है ये उसके परमाणु संख्या को दर्शा रहा है, मतलब उसके परमाणु क्रमांक को दिखा रहा है, और जो हाइड्रोजन मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ है ये इसके द्रव्यमान संख्या या आप कह सकते हैं परमाणु भार को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे ठीक जैसे कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, उसका परमाणु भार कितना होगा? 12। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14। ऐसे ही ऑक्सीजन का 8, इसका 16। तो आप इन सब का परमाणु भार बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार मतलब परमाणु संख्या 1, तो उसका परमाणु भार 1। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6 है, तो इसका परमाणु भार इसका दुगुना है, 12 है। ऐसे नाइट्रोजन का 7 14 है, ठीक है, इसका 16, तो इसका 32 है, 12 × 24। ये देखिए इसका 9। जैसे फ्लोरीन जो है, आपका परमाणु संख्या कितना है? 9 है, लेकिन परमाणु भार इसका क्या है? 19 है, मतलब 9 × 1 से ज़्यादा है, मतलब 18 से 1 ज़्यादा है। बस ये सब आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे किसी भी यौगिक का अगर अणुभार निकालना है, तो जैसे मान लीजिए आपका NaCl है, मतलब सोडियम क्लोराइड, तो ये आपका एक यौगिक है, इसका अणुभार निकालना है। तो हमें सबसे पहले जैसे हमारा इस यौगिक में कितने परमाणु हैं? 2, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। क्या है? एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। तो हमें सबसे पहले सोडियम का परमाणु भार मतलब परमाणु भार पता होना चाहिए, फिर क्लोरीन का। तो हमें सोडियम का देखिए, आपका सोडियम यहाँ कहाँ है? सोडियम यहाँ पर है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और भार कितना है? 23 है। तो हमें पता है सोडियम का परमाणु भार कितना है? 23। और क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का परमाणु भार कितना है? यहाँ पर देखिए 35.5, कितना है? 35.5। जो इस मतलब इन दोनों परमाणुओं को जो जोड़ने के बाद परमाणु भार आएगा, वही यौगिक का द्रव्यमान संख्या होगा या परमाणु भार होगा, जिसे हम अणुभार कहते हैं। यौगिक के अंदर जो परमाणु होते हैं उनका टोटल योग, मतलब उनके द्रव्यमानों का मतलब परमाणु भारों का टोटल योग अणुभार कहलाता है। जैसे ये आपका NaCl क्या है? एक यौगिक था, इसमें 2 परमाणु थे, इन दोनों परमाणुओं के परमाणु भार का योग जितना आएगा वही आपका अणुभार होगा। तो आपका अणुभार क्या होगा? देखिए यहाँ से यहाँ पर जोड़िए, 5 × 3 = 8, यहाँ 0.5 लगेगा, और 3 × 2 = 5, 58.5। आपका अणुभार क्या आया? 58.5, ठीक है। NaCl का अणुभार आपका क्या है? 58.5 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम हाइड्रोजन को लेते हैं, क्या है हमारा? हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर बताइए कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं, तो आप लिखेंगे 2 × फिर आपको पता है एक हाइड्रोजन का मतलब परमाणु भार कितना है? 1 है, तो हमारे 2 हाइड्रोजन हैं, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 × 1, तो टोटल कितना हुआ? 2। तो हमारा हाइड्रोजन का अणुभार कितना है? 2 है। अब ऐसे NaCl का अभी तो हमने निकाला था, अब H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4, तो इसका देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 × 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2, सॉरी 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला हमारा क्या है? सल्फर है, तो प्लस लगाएंगे हम, जब अगला लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, तो प्लस सल्फर। तो सल्फर का देखिए यहाँ परमाणु भार कितना है? 32 है। सल्फर कितना है? 1 ही है, तो एक सल्फर का परमाणु भार कितना है? यहाँ पर देखिए 32, तो यहाँ पर लिखेंगे 32, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार देखिए 16 है, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है?
SO4 मतलब O4 मतलब चार ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है। तो प्लस अगला जब लिखेंगे तो प्लस कितने ऑक्सीजन है, चार, तो चार और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16, तो गुणे 16। अब इसे सॉल्व करते हैं तो दो नम दो और फिर 32 और फिर 16 चौके 64, ठीक है। अब इसे जोड़ते हैं, देखिए 4 2 6 2 8 आठ और 6 3 9 8 और 6 3 9 98 कितना आया टोटल, 98। मतलब H2SO4 का जो है आपका, मतलब इसका अणु भार कितना होगा, 98, कितना होगा, 98। तो चलिए फिर अगला देखते हैं, आपका अगला क्या है, CaSO4 इसे सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या है, कैल्शियम, तो यहाँ पर कैल्शियम देखिए, आपका कैल्शियम यहाँ है 20, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 20, तो इसका परमाणु भार देखिए 40, तो कितना है 40, तो लिखेंगे 40। फिर अगला देखिए तो प्लस लगाएंगे सल्फर, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32, तो सल्फर एक ही है, कैल्शियम एक था, तो ऐसे लिखते चले जाएंगे। फिर हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, तो आपको पता है ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है, तो 4 × 16, ठीक है, इसे सॉल्व करिए, 40 फिर 32 और 16 × 64, ठीक है, सॉल्व करिए, 4 2 6 और 6 3 9 और 13, तो कितना हो गया, 136। तो CaSO4 का आपका कितना आया अणु भार, 136, कितना आया, 136, ठीक है, यही आपका अणु भार है, क्या है, अणु भार इस यौगिक का, मतलब CaSO4 का, ठीक है। अगला देखिए HCl, ठीक है, आपका क्या है, HCl है, तो आपका H का मतलब H हाइड्रोजन का मतलब परमाणु भार क्या है, एक है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, एक, तो एक ही लिखेंगे। आपके क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु भार 35, कितने क्लोरीन है, 35.5, तो कितने क्लोरीन है, एक है, तो 35.5, तो ये कितना हो गया, 35 × 36, 36.5, ठीक है, कितना आ गया, HCl का परमाणु भार, HCl का अणु भार कितना आ गया, 36.5, ठीक है। अब अगला देखते हैं H2O, क्या है, H2O, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है एक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक, तो कितने हाइड्रोजन है, 2 × 1 धन, ऑक्सीजन एक है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, 16 है, तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 और फिर 16 और 16 × 2 कितना हुआ, 18, तो आपके H2O का अणु भार कितना आया, 18। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए HNO3, क्या, HNO3, ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार एक, ठीक है, फिर अगला जब लिखेंगे तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन देखते हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है, 14 है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक था इसीलिए एक लिख दिए, नाइट्रोजन एक था तो सीधा एक नाइट्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, 14। फिर यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, O3 लिखा है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, तो लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 × 16, अब इसे सॉल्व करिए, 1 × 14 फिर यहाँ इस पर गुणा करिए, 48, ठीक है। अब इसे जोड़ते हैं तो आपका कितना हुआ, 8 × 4 = 12 और 1 × 13 और 13 × 4 = 5 = 6 कितना हुआ, 63 हुआ, कितना हुआ टोटल, 63 हुआ। केस
ClO3। आपका अगला क्या है? KClO3 क्या है अगला? KClO3। इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पोटेशियम का परमाणु भार कितना है? 49 है। कितना है? 49 प्लस क्लोरीन का 35.5। ऑक्सीजन का हमें पता है परमाणु भार 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16। इसे सॉल्व करते हैं, 49 फिर 35.5 प्लस 48, इसे जोड़िए 8 5 8 5 कितना हुआ? 13 और 13 हो 22 के 2 हासिल। और यहाँ पर देखिए 4 3 7 और 3 10 2 12, मतलब 122.5। आपका KClO3 का अणुभार कितना आया? 122.5। अगला देखते हैं, CO2 क्या है? CO2 ठीक है, CO2 का देखते हैं। आप देखिए कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, कितने ऑक्सीजन? 2, तो गुणा कर देंगे 2 × 16, 12 और धन 16 दुना है 32। अब इसे देखिए, 2 2 4 1 4 44, कितना आया आपका CO2 का? आपका अणुभार कितना आया? 44 आया। कितना आया? 44। अब चलिए SO2 का देखते हैं, तो सल्फर का आपका पता है अणुभार कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का पता है 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16 ठीक है, तो 32 और 16 दुना है 32, और 32 32 कितना हो गया? 64 हो गया। तो आपका SO2 का अणुभार कितना आया? 64 आया। कितना आया? 64 ठीक है। अब अगला देखते हैं, आपका अगला क्या है? ये Na2CO3 ठीक है, Na2CO3। तो यहाँ पर सोडियम का देखिए, सोडियम का परमाणु भार 23, लेकिन कितने सोडियम है? 2 सोडियम है, 2 × 23 हो जाएगा, मतलब 2 सोडियम है। कार्बन का देखिए, तो कार्बन का कितना होता है? 12, तो एक ही कार्बन है तो 12 लिख दीजिए, प्लस लगाइए O3, मतलब ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 16 ठीक है। इसे सॉल्व करिए, 23 दुना कितना हो जाएगा? 46 ठीक है, प्लस 12 प्लस ये देखिए 48 ठीक है, और 48 और 12 कितना हुआ? 60 और 46 106। तो आपका Na2CO3 का अणुभार कितना आया? 106 ठीक है। क्या है? NH4Cl ठीक है, आपका क्या है अगला? NH4Cl। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का अणुभार नाइट्रोजन का परमाणु भार क्या है? 14, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, इसका एक मतलब परमाणु भार 1, तो 4 × 1 प्लस क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना है? 35.5 ठीक है। सॉल्व करिए इसे, ये 14 धन 4 और फिर 35.5, इसे जोड़िए कितना आएगा? 5 4 9 और 9 4 13 के 3 1 हासिल 1 और 3 4 1 5। आपका कितना आया? NH4Cl का कितना आया अणुभार? 53.5। कितना आया? 53.5। अगला सॉल्व करते हैं, CaOCl2 ठीक है, आपका यही है। तो आपका कैल्शियम का देखिए अणुभार कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40। कैल्शियम का परमाणु भार 40, ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, Cl2 मतलब
कितने आपके मतलब क्लोरीन देखिए, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, लेकिन दो क्लोरीन है तो गुड़े दो गुड़े 35.5 से सॉल्व करिए तो ये आपका 40 धन 16, इसे गुणा करिए ये कितना आया 71 आया आपका, कितना आया 71। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, 40 और 16 कितना हुआ 56, और देखिए 1 और 6 7 7 हुआ, और 7 और 1 8 और 4 12 आपका टोटल कितना आया 127। मतलब CaOCl2 का अणुभार कितना हुआ 127, कितना हुआ 127। NaHCO3 ठीक है, सोडियम का यहाँ पर अणुभार कितना है, सोडियम का परमाणु भार कितना है देखिए, सॉरी सोडियम का परमाणु भार 23 है, एक सोडियम है, हाइड्रोजन का एक होता है तो एक, कार्बन का कितना होता है 12, तो एक ही कार्बन है तो 12, ऑक्सीजन का 16 होता लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो इसे सॉल्व करते हैं, 23 फिर 1 फिर 12 और ये 48 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, 8 2 10 1 11 और 3 14 14 के 4 फिर 4 4 1 5 और 5 2 7 1 8 कितना आया 84। तो NaHCO3 का आपका अणुभार कितना हो जाएगा इस यौगिक का 84, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। K4Fe Cn6 इसका पहले देखिए पोटेशियम आपका कहाँ है, ये है, इसका परमाणु भार कितना है 45 है, कितने हैं पोटेशियम है 4 4 × 49 ठीक है, प्लस ये देखिए आपका आयरन है Fe आयरन, इसका परमाणु भार 56। कार्बन कितने कार्बन है 6 Cn6 लिखा, मतलब 6 कार्बन है तो 6 × आपके कार्बन का परमाणु भार 12 और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 और 6 नाइट्रोजन है तो 6 × 14 ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, 4 × 3 12 3 15 156 और ये 56 और 12 6 72 और ये 84 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, 4 2 6 और 6 12 और 6 18 के 8 ठीक है, एक हासिल 8 और 7 15 और 15 5 30 और 5 25 और 25 1 26 के 6 दो हासिल, और देखिए अब यहाँ पर आपके 2 1 और 2 3 कितना आ गया आपका 368। तो आपका K4Fe Cn6 का मतलब अणुभार कितना होगा 368, कितना होगा 368। आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।